दोस्तों यार व्हाट्सएप पर ये प्रॉब्लम हमें अक्सर आती है। क्या होता है भाई, व्हाट्सएप पर हम किसी से भी जब चैटिंग करते हैं भाई, अपनी जीएफ हो गई, बीएफ हो गया, कोई भी फ्रेंड हो गया या फैमिली मेंबर में कोई भी हो गया, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते करते काफ़ी टाइम गुजर जाता है या प्रेजेंट की चैटिंग हमारी डिलीट हो जाती है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपकी व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट हो गई है एंड आप उसे रिकवर करना चाहते हो, वापस लाना चाहते हो, चाहे भाई एक महीने पुरानी चैट हो या एक दिन पुरानी या एक साल पुरानी या दो साल पुरानी, अगर आप सारी चैट को वापस रिकवर करना चाहते हो, फोटोज, वीडियो, आइडियो, डॉक्यूमेंट, मतलब जितनी सारी आपकी चैटिंग हुई है, आपने जो उसको सेंड किया, उसने जो आपको सेंड किया, वो सारा कुछ अगर आप वापस लाना चाहते हो, रिकवर करना चाहते हो, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर है अमन, ठीक है। अब मैंने इसकी चैटिंग को यहां पर डिलीट कर दिया, मैंने यहां पर थ्री डॉट पर जाकर एंड मोर ऑप्शन पर जाकर मैंने इसकी चैट को यहां पर क्लीन कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा इस चैट को वापस रिकवर करके। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है व्हाट्सएप से बैक एंड आपको अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ से आपको देख लेना है ऐप मैनेजर या ऐप्स, मेरे में ऐप्स नेम से सेटिंग है तो मैंने इस पर किया क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें आपको व्हाट्सएप को सर्च करना है। अगर भाई आपके में व्हाट्सएप यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको कर देना है सी ऑल, तो आपके मोबाइल में जितनी सारी ऐप्स हैं वो यहाँ पर शो करेंगी। एंड अगर आपके में यहाँ पर फ्रंट में शो कर रहा है तो आपको सिंपली व्हाट्सएप के अंदर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जाना है स्टोरेज एंड केची। तो मैंने स्टोरेज एंड केची पर किया क्लिक एंड मैंने कर दिया यहाँ से क्लियर स्टोरेज, यहाँ से कर देंगे डिलीट एंड आपको करना है बैक। अब इसके बाद आपकी ऐप्स के अंदर जितनी स्टोरेज थी, जितना यूज डाटा था, जितनी केची थी, वो सारी हमने यहाँ पर रीसेट कर दी। आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद आपको फिर से जाना है अपने व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप के अंदर आने के बाद यहाँ से आपको फिर से इसको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपली दोस्तों आपको कर देना है एग्री एंड कंटिन्यू। एग्री एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस टाइप से ऑप्शन आएगा, आपको अलाउ कर देना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जिस मोबाइल नंबर की जिस व्हाट्सएप की चैट आपको रिकवर करनी है, तो आपको यहां पर सिंपली मोबाइल नंबर डाल देना है। मैं यहां पर डाल देता हूं एंड आपको नीचे कर देना है नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करोगे सो यहां पर आपके में थोड़ी सी लोडिंग लेकर आपके में आएगा यहां पर एक ऑटोमेटिकली 6 डिजिट का कोड, वो ऑटोमेटिकली यहां पर फिल हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहां पर वेरीफाई कंप्लीट हो चुका है एंड आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको ऊपर कर देना है अलाउ, आपको फिर से अलाउ करना है, यहां पर आपको अलाउ करते जाना है। इतना आने के बाद यहाँ पर गाइस आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको देख सकते हो ऊपर लिखा है लॉगिंग फॉर बैकअप, तो यहाँ पर गाइस आपको स्किप नहीं करना है, यहाँ पर आपको कर देना है गिविंग परमिशन। तो जैसे आप गिव परमिशन करोगे तो यहाँ पर आपको एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है, जिस जीमेल आईडी से आप अपनी चैट को रिकवर करना चाहते हो, वापस लाना चाहते हो। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी आ जाएगी एंड जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हैं, आपको कर देना है नेक्स्ट। इतना काम करने के बाद थोड़ी सी नीचे लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो आप खुद देख लेना। आपको यहाँ पर गाइस करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 6 से 7 घंटे का वेट करना है। यहाँ पर जैसे आप गाइस 6 से 7 घंटे का वेट करोगे तो आपकी सारी चैटिंग ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस हमने एक जीमेल आईडी ऐड की थी, वहाँ पर हमने यहाँ पर बैकअप को ऐड किया था, तो यहाँ पर बैकअप होने में करीब आपको 6 से 7 घंटे का वेट करना है, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चैट यहाँ पर वापस हो जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।